घूमने का सपना जो कि कुछ कुछ साकार हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि हम उचहरा अपने गांव से निकल चुके हैं वृंदावन की ओर, और जन्माष्टमी से एक दिन पहले हम निकले हैं वृंदावन। तो सबसे पहले हाँ, मेरे पास दोस्तों पैसे नहीं थे, ये बात पूरी तरह से सही है, ना ही 1 रुपया था, कुछ खाने की कुछ सामग्री थी बस। तो हम उचहरा से जबलपुर इंटरसिटी पकड़ते हैं और सतना तक जाते हैं, फिर सतना से महाकौशल एक्सप्रेस पकड़ते हैं जो डायरेक्ट हमें वृंदावन तक ले जाएगी। तो सीट ईट का बड़ी मुश्किल से हुआ और वहाँ गार्ड भैया ने काफ़ी हेल्प की, थैंक यू गार्ड भैया। तो सतना जाके देखा तो दोस्तों वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, वृंदावन जन्माष्टमी थी इसलिए काफ़ी लड़के, अब स्लीपर कोच में 80-90 सीट होती हैं लेकिन उसमें 250-250 आदमी एक कोच में थे, आप समझ ही रहे हो। तो ये हम पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो यहाँ से 13 किलोमीटर दूरी पर वृंदावन है। और हमें जाते समय एक कुत्ता मिला जिसके गले में कुछ फंस चुका था, फिर इसे निकाला और बहुत ही शानदार नज़ारा था दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ आप देख रहे हो। रास्ते में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, जगह जगह भंडारे चल रहे थे, वहाँ पहुँच जाओ बस उसके बाद यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो खास टाइम जन्माष्टमी टाइम तो नहीं ही थी, आपका क्या है तो अब नहीं पता। और बहुत ही शानदार नज़ारा था दोस्तों। ये पहुंच चुके हम कृष्ण जन्म स्थान मथुरा, जो कि बहुत ही सुंदर था। उसके बाद हम वृंदावन की ओर निकले और ये वृंदावन का प्रेम मंदिर है, जैसा कि आप देख रहे हो। प्रेम मंदिर को श्री जगत गुरु कृपालु बहुत ही शानदार बनवाया है दोस्तों। यहाँ हमने बैग रखा, आप देख रहे हो पूरा वाइट मार्बल है दोस्तों। कुछ विशेषताएँ जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, और पूरा पूरा कृष्ण संबंधित जितनी लीलाएं हुई हैं उसको पूरा एक म्यूज़ियम के रूप में स्टोर किया हुआ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अपने उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए काफ़ी अच्छा है, और हमारे धार्मिक मान्यताओं को बड़ा बल देता है। और ये प्रेम मंदिर का अंदर का सीन है दोस्तों, बहुत ही सुंदर था, मैं क्या ही कहूँ, कुछ बातें लफ्ज़ों में बयां नहीं होती, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ करने की। हाँ, फ़ोन भी अलाउड नहीं था लेकिन सभी लिए थे तो फिर मैंने भी यूज़ किया फ़ोन। और यहाँ पास खड़े हो के इतना प्यारा लग रहा था। और फिर हम दोस्तों पहुँच चुके हैं मदन मोहन मंदिर, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था और प्राचीन है, काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और करीब 150 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद हम उस ऊंचाई को प्राप्त किए। काफ़ी थके हुए थे दोस्तों, समझ नहीं आता क्या करें, लेकिन फिर भी वाकई भी हरि मंदिर की ओर बढ़े और पहुंच चुके यमुना नदी जहां की आरती हो रही थी। तो वहां की आरती में पूरी तरह से शामिल होने के बाद पूरी आरती बहुत ही, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे शाम को पहुँचे थे दोस्तों, तो शाम को आरती का भव्य लाभ प्राप्त हुआ, माँ यमुना का आशीर्वाद हम पे और सभी पे बना रहे यही कामना करते हुए फिर हम निकल चुके नदी की ओर और कुछ फोटोग्राफी की। यमुना नदी दोस्तों दूषित हो चुकी है, ये एक सत्य है, वहाँ नहाने का मन नहीं कर रहा था, फैक्ट्रियों से निकाला हुआ इतना प्रदूषण, इतना पूरे पानी में वाइट वाइट नहीं जैसे कपड़े धुलते सब सफ़ेद झाग निकलता, वैसा झाग पूरे पानी में फैला हुआ था। और हम अब हैं, ये आरती की फ़ोटो थी, ये यमुना नदी, फिर हम बाके बिहारी मंदिर की ओर निकल गए। काफ़ी भीड़ की वजह से फ़ोन को मैं ऊपर वहाँ नहीं कर पाया और डांट भी रहे थे वहाँ, फ़ोन ले जाना ही मना था। उसके बाद हम
श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए, बहुत ही आनंद था दोस्तों। उसके बाद हम तत्पश्चात राधा वल्लभ मंदिर, जो कि वहाँ से करीबन 100-150 मीटर की दूरी नज़दीक उसी मार्ग पर स्थित है, परिक्रमा मार्ग से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन हुए। और फिर हमें ये इत्र वाले भैया मिले, जो कि अपनी कुछ रूहानी सुगंध इत्र के बारे में बताया। ये भैया अजमेर से लाते हैं इत्र, और राधा रानी की महिमा कुछ बताई इन्होंने। 7-8 साल से वृंदावन में, ये राधा वल्लभ मंदिर के बाहर ही ज़्यादातर रहते हैं, रहते कहीं और होंगे, मतलब इनका शॉप जो है, शॉप नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी बैठक है। तो बहुत ही सुंदर चंदन की हो, अगर की हो, मिट्टी की हो, मिट्टी जमीन होती है उसकी सुगंध, अरे कई उन्होंने टेस्ट करवाए, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उन्होंने अपनी कहानी पूरी बताई, और श्री राधा रानी की महिमा, वृंदावन की कहानी, व्रज की कहानी, कृष्ण की महिमा, सूरदास की महिमा, श्री हरिवंश, वहाँ की जितने प्रसिद्ध संत हुए उनकी महिमा, काफ़ी देर उनसे बातचीत करने के बाद। दरअसल बात ये थी कि फुर्सत वो भी थे और फुर्सत हम भी थे, तो काफ़ी देर हम लोगों ने आपस में बातचीत की, और उसके तत्पश्चात हमें रात में हमें सोने के लिए ठिकाना ढूंढना था दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कैंपिंग टेंट नहीं था, और वहाँ होटलों में ऐसे जनरली मनाही कर देते हैं। तो हम यहाँ कालिया घाट, जो कि पुरानी काली देह मंदिर थी, ये मदन मोहन मंदिर के कुछ ही दूर आगे, तो वहाँ पे आराम किए। और यहाँ आप देख ही रहे हो वही मंदिर दोस्तों, मदन मोहन मंदिर, जो 150 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के बताया था, बहुत ही प्यारा मंदिर है। बनावट के बारे में इसके कुछ लिखा था, मैंने ऐड किया है। और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी श्रद्धा भक्ति, और इनका तो क्या ही कहना है, चश्मा छीन लेते हैं फ्रूटी पीने के लिए। और ये श्री बांके बिहारी मंदिर का मुख्य द्वार, जो कि स्थित है। और फिर हम निकल गए श्री केलीकुंज आश्रम, जो कि प्रेमानंद जी के महाराज के दर्शन के लिए, और ये रहा उनका धाम, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही, अंदर जाने के लिए पहले एक दिन पहले टोकन लेना पड़ता है। और उन्हीं धाम के जस्ट बगल में बहुत ही सुंदर प्रसाद का वितरण होता है, जैसा कि वहाँ का प्रसाद हमने पाया। और श्री हित राधा केलीकुंज नाम से राधा नाम संकीर्तन अखंड होती है। फिर हमें टोकन प्राप्त हुआ, जो कि 9 तारीख को S154 सीटिंग व्यवस्था की सीट थी हमारी। और फिर हमें ये भैया मिले, जो कि कुछ हमें बता रहे थे, तो फिर हम उनकी बात समझी। श्री सुखधाम आश्रम से थे और इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। और हमें एक ये भैया मिले, जो कि वर्ल्ड ट्रेवल पे निकले हुए थे साइकिल से। उसके तत्पश्चात हमने एक भागवत श्री जी का सेशन अटेंड किया, जो कि महाराज जी बहुत ही युवा, यूथ क्रांति। और फिर हम पहुंच चुके श्री आनंदम धाम, लाडली निकुंज वन, तो यहाँ के जो प्रमुख हैं श्री रितेश्वर महाराज जी, ये भी काफ़ी अच्छा स्पोक पर्सन है और यूथ को अट्रैक्ट करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने परम ज्ञान के द्वारा। उसके तत्पश्चात ये रात का सीन है दोस्तों, जो कि श्री राधा केलीकुंज प्रेमानंद जी महाराज, ये महाराज हैं जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ चुके हैं, और यहाँ
सेवा भाव से रात के करीबन 12-12 बज रहे थे। तो 2 बजे महाराज जी का आगमन होता, तो उससे पहले पूरी सफाई व्यवस्था मेंटेन की जाती है। तो बाहर का नज़ारा हम आपको ये दिखा रहे थे कि काफ़ी भीड़ भाड़ है दोस्तों, रात के 12-1 बजे हैं, लेकिन काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ है दोस्तों। पता नहीं इस भागवत मार्ग में है तो दिखेगा तो कुछ नहीं जी मिल रहा है, भौतिकता तो कुछ नहीं मिलती, लेकिन उसको पाने की ललक, उस अनंत पाने की ललक इतनी है कि आप देख ही रहे हो। यहाँ सब ये सेवादार हैं जो कि पहले टिकट चेकिंग होती है, उसके बाद प्रवेश दिया जाता है। ये महाराज जी लोग हैं सब, करीब 100 से 150 पब्लिक पूरी ऐसे ही आराम, बस कुछ नहीं है दोस्तों, सब पड़े हैं किनारे। और ये बहुत ही सुंदर रंगोलियाँ बनाई जा रही थी महाराज श्री के स्वागत के लिए। और ये नित होता है, कोई एक दिन का नहीं, ये डेली का रूटीन है वहाँ का, जैसा कि आप देख रहे हो। और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, करीबन 500,000 आदमी। 2 बजनी है, लेकिन सब सड़क के किनारे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं महाराज का। और ये आपको एक, हम भी जाके वहाँ बैठ गए, और ये मेरी एक लाइका साधु बेस, और बहुत ही अच्छा था नज़ारा। कुछ तो कहीं इस्कॉन टेम्पल दोस्तों, वृंदावन श्री प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा स्थापित ये संस्था काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे से कार्य कर रही है। और ये भाई साहब पानी का बॉटल हमारा छीन के पिया भी नहीं, फैला दिया वहाँ पूरा। अभी हमको यहीं आराम करना था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। श्री लाडली निकुंज वन आनंदम धाम, जो कि रितेश्वर महाराज जी यहाँ के प्रमुख हैं, और बहुत ही सुंदर वहाँ भव्य आरती होती है। और ये बहुत ही सुंदर एक फोटोशॉप की दुकान थी बोलते हैं, ये हम पूरा हाथ से क्रिएट करते हैं। और ये हमारे श्री बांके बिहारी मंदिर में मैंने एक आध दो फोटो खिंचवाई थी। कुछ दुकानें, कुछ नज़ारे, कुछ सामान, ये श्री राधा वल्लभ मंदिर जो कि राधा कृष्ण को समर्पित है, वृंदावन में स्थित है। और फिर अगले क्रम में हम, क्योंकि भोजन जब हो जाते हैं तभी भजन संभव है, खाली पेट भजन नहीं होते, तो भोजन की कड़ी में हम प्राचीन श्री दाऊ की बगीची आए, और वहाँ हमें प्रसाद प्राप्त हुआ, और राजस्थानी भाई थे तो उन्होंने हुक्का भी दिलवाया। और फिर श्री इस्कॉन गौशाला, उनका एक पूरा इंस्टीट्यूट है दोस्तों, जो कि पूरा बेस्ड है एजुकेशन पे, भक्ति पे। और इसके तत्पश्चात हम आपको दिखाने जा रहे हैं निधिवन, जो कि एक बहुत ही सुंदर, और ये आप देख रहे हैं यमुना, जो अभी रात में आरती का सीन दिखाया था, अभी ये दिन में है। तो यमुना नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, कहते हैं ये दिल्ली से ही इसमें पूरा केमिकल्स फैक्ट्रियों का पूरा रसायन पदार्थ छोड़ दिया जाता है, जिससे ये काफ़ी प्रदूषित हो रही है, और उसका पूरा प्रभाव प्रत्येक जनमानस को प्रभावित कर रहा है दोस्तों। कई साधु संत यहाँ नहाते हैं, कई व्यक्ति यहाँ कपड़े धुलते हैं, मतलब पूरा जनजीवन प्रभावित होता है, जलीय जीव प्रभावित होते हैं, पूरा जलीय पौधे प्रभावित होते हैं। और जैसा कि प्रतिदिन सूर्य का उगना और सूर्य का अस्त इसी यमुना नदी के किनारे से हम आधे घंटे बैठ के आनंद लेते थे दोस्तों। आप देख रहे हो ये सनसेट का टाइम था, और काफ़ी
एक भैया मिले, हमने पूछा कि भाई इतनी फेमस जगह है, यहाँ कम से कम घाट बनना चाहिए। तो उन्होंने इस विषय में ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन हाँ कुछ अपने मंतव्य रखा उन्होंने। और काफ़ी सुंदर दृश्य था दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो। मंतव्य किसी के विचारों से सहमति हो ना हो, लेकिन उनके विचारों के अभिव्यक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और ये हमारा भगवत ध्वज जो कि हमेशा लहराता हुआ सनातन धर्म का, हिंदू 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 हिंदू, एक ऐसी अद्भुत संस्कृति है दोस्तों जो काफ़ी प्राचीन, वर्ल्ड की सबसे प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन जीवन पद्धति है। इसमें प्रत्येक मानव को अगर संस्कृति का पालन करे तो पूरा भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। खैर, हमें एक भैया मिले जो कि फ़ोटोग्राफी करते हैं और इंस्टेंट फ़ोटो निकाल के देते हैं। तो उनका फ़ोटो निकलवाना था तो उनका प्रिंटर ही ख़राब हो गया था, पता नहीं शायद इंक जेट पूरा फैल गया था। खैर जो भी हो, तो हम बात कर रहे थे कि हिंदू संस्कृति अपनी एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। और हमारे ये नगर निगम वाले भैया जो कि कह रहे थे कि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं तो अब हम क्या बोलें, यहाँ के प्राइवेट कर्मचारियों को कुछ बोलना चाहिए, तो इसी विषय में उन्होंने कहा मैं तो ज़्यादा कुछ ना कहूँगा। यही घाट के संबंध में हमने कहा यहाँ एक घाट होना चाहिए। श्री बांके बिहारी मंदिर के मुख्य गेट के सामने यमुना नदी से लोग जाते हैं, तो वहाँ ना कोई घाट है ना ही ज़्यादा साफ सफाई की व्यवस्था थी। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास इस पे थोड़ा ध्यान दे, और इसे ध्यान देने की भी ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि यही हमारा आधार है, यहीं से हमारी आजीविका है। यहाँ आप देख रहे हो नाव में ही बैठना है तो पूरा आप ऐसे कैसे जाएं, तो प्रॉपर घाट होना चाहिए। शायद एक छोटा घाट आगे था लेकिन इधर साइड भी काफ़ी लोग आते हैं, एक घाट इधर भी होना चाहिए। और इतने बड़े बड़े गड्ढे थे दोस्तों। अब ये तो पूरी ज़मीनी हकीकत है ना, इसको छुपाया नहीं जा सकता। आप कहें जी इस संबंध में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इस संबंध में बात करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये ज़रूरी है। पर्यटन सुविधाएं के नाम पे कई पैसों का गमन कर दिया जाता है, और सुविधाएं जो है वो हकीकत आपको दिखाई जा रही हैं। ये यमुना घाट का पूरा दृश्य है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं दोस्तों, पूरा भरा पड़ा है कचरा पूरा, ना ही सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ये हमारे बेंगलुरु वाले हैं भैया, इन्होंने बीटेक कर रखा है और इन्होंने भी वृंदावन घूमने का एक सपना लेके आए थे, जो कि हम दोनों मिले और फिर हमने सनसेट एंजॉय किया यमुना नदी के किनारे। और काफ़ी लोग अपनी आस्थाओं के साथ, आस्थाओं से इतने जुड़े हुए हैं कि नदी को स्वच्छ नहीं कर सकते लेकिन और प्रदूषित कर रहे हैं। हवन का कचरा, पॉलीथीन और उस पर न जाने क्या क्या जला के ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आस्था के नाम पे कुछ चीज़ें गैर अनुचित हैं वो भी की जा रही हैं, जो कि शायद नहीं करनी चाहिए। और हाँ, ये मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये हकीकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यमुना नदी में हमने कुछ फ़ोटोग्राफी की जो कि मेरे फ़ोन 9 Prime ने मेरा बहुत सहयोग किया दोस्तों। सिर्फ मेरे पास फ़ोन ही है फ़िलहाल, कोई कैमरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। तो आप सब सपोर्ट करिए जितना अगर संभव हो सके। उसके बाद हम तत्पश्चात यहाँ श्री राधा रमन करके एक स्थान था, प्रतिदिन यहाँ 8 बजे से परिक्रमा मार्ग में स्थित है, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है यहाँ पे है, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जैसा कि आप देख रहे हो। उसके पश्चात हम परिक्रमा मार्ग है दोस्तों, ये यहाँ पे कार भी निकलती है, यहाँ पे ऑटो भी निकलती है, और यहाँ पे लोग परिक्रमा भी करते हैं।
जबकि पैदल चलने वाले के लिए पूरा एक सेपरेट होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों हम वहीं यमुना नदी से रज लाके यहाँ बैठे हुए थे, जो कि आपको कुछ दिखाना चाह रहा था लेकिन वो शायद नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि जूम मैं किया नहीं था। तो हाँ, मुझे तो दिख रहा था लेकिन शायद वो चीज़ कैमरे में नहीं ले पाया मैं। और ये मेरा पूरा दिन वहाँ परिक्रमा मार्ग, मंदिर और यमुना नदी, ये तीन जगह में बीता। और उसके तत्पश्चात हम बोट पे बैठ के सनसेट का आनंद लिया। वहाँ किसी की मर्सिडीज़ खरी थी दोस्तों, तो हमने कुछ फ़ोटो वोटो शूट किया। उसके बाद हमें एक सांप वाले भैया मिले जिनसे काफ़ी डर भी लग रहा था, तो उन्होंने बताया कि इसके दांत आप तोड़ देते हैं और इसका पूरा विष निकाल देते हैं। हम बोले ऐसा क्यों करते हैं, फिर वो अपनी रक्षा क्यों कैसे कर पाएगा भाई, विष थी तो वो अपनी रक्षा कर पाता है। और वो जस्ट मेरे बगल में ही थे, तो इसी संबंध में कुछ उन्होंने बातचीत की और किसी दवाई ववाई के बारे में बात करने लगे, ये जड़ी होती है इसका ऐसा यूज करते हैं। तो बढ़िया यार, राधे राधे, अब क्या ही कहें। कुछ बातें हैं जिन्हें कह के नहीं पूरी की जा सकती, और कुछ बातें हैं कि कह भी दिए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। खैर बढ़िया है, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं श्री बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन में स्थित है। और ये जब मैं लास्ट बार गया तब मुझे थोड़ा ज़्यादा फ़ोन भी ले जा पाया। और ये थे हजारी बाबा, ये सब असली हैं दोस्तों। जी हाँ, जितने नोट दिख रहे हैं ये पूरा असली है। और शाम का प्रवचन मेरे गुरुजी जगत गुरु महाराज श्री रितेश्वर महाराज जी, जो कि लाडली निकुंज वन के संस्थापक हैं, लाडली प्रसादालय, और बहुत ही सुंदर प्रसाद की व्यवस्था श्री केलिकुंज आश्रम के जस्ट बगल से, बताया ना जो साउथ इंडियंस भक्त हैं जो प्रतिदिन बहुत ही सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है और बहुत ही मन से बनाते हैं दोस्तों। वहाँ का प्रसाद तो मैं खा के नहीं, कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, तो इतना सात्विक भोजन रहता है। और यहाँ हमारे कुछ साधक मिले जो कि काफ़ी साधना करते हैं और यहाँ अकेले रहते हैं। ये स्थान कहलाता है संत समाधि स्थल, लाडली निकुंज वन से आगे ही है। और उसके तत्पश्चात ये जो आप देख रहे हैं, हम वापसी की ओर लौटने लगे। 15 दिन का ये पूरा सफ़र 20-22 मिनट में समाप्त होने जा रहा है दोस्तों। और ये ऑटो वाले भैया मिले जो कि हमें वृंदावन से मथुरा लेके आए, फिर मथुरा से हमने ट्रेन पकड़ी। और ये सब ट्रेन में मुझे ये हाल दिखा कि जगह नहीं थी, तो ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है दोस्तों, और इतनी किसी और में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो आप सभी को राधे राधे, प्लीज़ देखिए और सपोर्ट।